मेरा हर पेपर में कम से कम 15-20 मार्क का पेपर छूट गया। वो वाला मैथ करने में मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया ठीक करने में उसको। गई ना तब मुझे अकल आया कि मेरा तो पेपर छूटने वाला है, क्योंकि नींद आ रहा था और मेरा दिमाग भी कम नहीं कर रहा था। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सनशाइन। आई एम श्रेया शाह, ए बी कॉम प्लस सी ए स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, सी ए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का। तो ग्रुप वन वालों, जिसका एग्जाम हो गया है, अभी तो ग्रुप टू का बाकी है, जिस दिन दिन का हो गया है एग्जाम, कमेंट में जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ है। और मैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी मैंने जो मिस्टेक की है उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी तो फाउंडेशन का एग्जाम बाकी है, 2 महीने बाद ही होने वाला है, तो आपके लिए भी जरूरी है, आप भी देखना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और उससे पहले एक बात, आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक करके जाना। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब बात करते हैं मेरा पेपर कैसा गया। मिस्टेक नंबर वन व्हाट आई डिड, कि मेरा हर पेपर में कम से कम 15-20 मार्क का पेपर छूट गया है। पता है क्यों? क्योंकि मैं घर पे कभी भी 3 आवर का टाइमर लगा के कोई भी पेपर सॉल्व नहीं की, मतलब की भी तो शॉर्टकट करके मैं चली जाती थी, मतलब पूरा लिख लिख के कभी पेपर सॉल्व नहीं करती थी। तो उसे क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम हॉल में, तो शॉर्टकट से नहीं कर सकती ना, तभी तो पूरा लिख के जब करने गई ना, तब मुझे अकल आया कि मेरा तो पेपर छूटने वाला है। क्योंकि मेरा ना टाइम, मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, राइटिंग स्पीड कितना रखना है, ये सब तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने घर पे पहले कभी पेपर दी ही नहीं थी, मतलब एग्जाम की तरह। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, आपको पहले कम से कम 2 से 3 और मैक्सिमम जितनी भी हो आपको पेपर देना है घर पे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और इससे सबसे बड़ी बात कि आपको आपका वीक पॉइंट भी पता चलेगा और राइटिंग स्पीड कितना रखना है, ये सब तो पता चलेगा। मिस्टेक नंबर टू व्हाट आई डिड, कि एग्जाम टाइम पर प्रॉपर स्लीप ना लेना। लॉ एग्जाम के दिन मेरा रिवीजन बहुत सारा बाकी था, इसलिए मैंने रात जग के रिवीजन कंप्लीट की। और उससे क्या हुआ, एग्जाम टाइम पर जब मैं एग्जाम दे रही थी, इतना ज्यादा मतलब नींद आ रहा था और मेरा दिमाग भी कम नहीं कर रहा था। तो देखो, जितना भी तैयारी करना हो पहले करके रखो, एग्जाम के टाइम पर कभी भी रात जग के कुछ भी मत करो, मतलब प्रॉपर 7 से 8 घंटा का नींद तो लेना ही चाहिए, बाकी का जो टाइम है उसमें पढ़ो, पर नींद को सेक्रीफाइस मत करना, इससे आपको एग्जाम हॉल में परेशानी हो सकती है, जो मुझे हुआ था। और एक बात है कि मुझे सही से हिंदी बोलना नहीं आता, मैं एक बंगाली लड़की हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तो बंगाली हो तो बंगाली में वीडियो बनाओ, हिंदी में क्यों बना रहे हो, व्यूज पाने के लिए। तो आप लोग जो भी सोचना है सोचो। देखो, मुझे हिंदी सीखना तो है ना, तो अब जब मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे हिंदी बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं तो बोलूंगी। और मैं तो बहुत सारा गलती भी करती हूँ, क्योंकि आती को आता बोलती हूँ, आता को आती। बंगाली में ना मतलब मेल के लिए एक, फीमेल के लिए एक, ऑब्जेक्ट के लिए एक, ऐसा तो नहीं होता, तो ये याद नहीं रखता कब आती बोलना है कब आता बोलना है। तो कुछ गलत बोल दूँ तो आप लोग प्लीज मुझे सुधार देना। मिस्टेक 3 में, कॉस के एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर तो ईजी था, पर उसमें भी मैंने एक गलती कर दी। वो क्या है कि पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, पर मतलब इतना ही उछल रही थी इजी क्वेश्चन देख के, कि मैंने ना एक पॉइंट ओवरलुक, एक क्वेश्चन ओवरलुक वाला जो था, उसमें एक पावर वाला पॉइंट था, उसको ओवरलुक करके पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, मुझे जब चेक करने गई तो तब देखा कि वो वाला पॉइंट मिस हो गया, तो मैं ना उसमें वो वाला पॉइंट घुसा दिया, घुसा के फिर नीचे का तो आंसर सब गलत आ गया था, फॉर कैलकुलेशन बहुत सारा गलती हो गया था। वो वाला मैथ करने में मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया ठीक करने में उसको। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा बहुत सारा पेपर बाकी और टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो मैं पैनिक करने लगी कि मैं इतने टाइम में इतना सारा मैथ कैसे सॉल्व करूंगी। तो उसके बाद मैं बहुत जल्दी जल्दी करने लगी, और उसके बाद जितना भी मैंने मैथ किया ना, सब में कुछ ना कुछ मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करती रही, क्योंकि जल्दबाजी में मैं क्या कैलकुलेटर में क्या की दबा रही थी, मतलब मुझे खुद ही कुछ याद नहीं था, और हैंड शेक हो रहा था, मतलब इतना पैनिक किया, इतना ईजी क्वेश्चन में भी मेरा खराब हो गया एग्जाम। तो आप इस सिचुएशन में क्या करना, पैनिक बिल्कुल भी मत करना, मतलब एग्जाम हॉल में ये सब याद नहीं रहता, मतलब बाद में घर आके मुझे लग रहा था कि तब मैं पैनिक करके पूरा पेपर सॉल्व ना करके मैं क्या करती, 60 मार्क्स का या फिर 70 मार्क्स का सही पेपर सॉल्व करके आती ना तो अच्छा होता, पर मुझे पूरा करना है। इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी जल्दी करने लगी और उसमें ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होते रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करना, क्योंकि पैनिक करके हम ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करके, और जितना करो सही करो, मतलब पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना करो सही करो, कारण हम पूरा पेपर करने की जल्दी जल्दी में मिस्टेक ज्यादा करते हैं। देखो, मैंने तो गलती कर दी, फिर उससे सीखी कि ये सब नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो आप लोगों को पहले से ही बता दे रही हूँ कि आप लोगों को ऐसा कुछ सिचुएशन में आए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।